वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, आपको गोल्ड कलर के, ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग कलर के, ठीक है, चांदी कलर के, निकल कलर के, सारों के बारे में, कलर्स के बारे में और इसकी पिस्टल की प्राइसेस के बारे में आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इन सबसे पहले जितने भी टीन एजर्स हैं, अंडर 18 है, वो मेरे इस वीडियो को स्किप कर ले क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले चांदी वाले जगाना स्पोर्ट्स के बारे में। ये आप एक लुक देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग देख लें, थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, पीछे आगे से आप इसको देख लें, ठीक है। ये हमारा चांदी कलर का जेगाना स्पोर्ट्स है, A1 A+ क्वालिटी का, ठीक है। ये इसकी कस्टम मुठिया चेक करें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस पिस्टल के बारे में बताने से पहले पिस्टल के कुछ बेसिक कवानीन आपको समझा दूं कि आपने सबसे पहले मैगजीन निकाल लेनी है, फिर आपने इसका चैम्बर चेक कर लेना है कि लोड तो नहीं है। आपने हर टाइम पिस्टल को लोड तसव्वुर करना है, ठीक है, ये ना हो कि आपसे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। दोस्तों ये आप चेक करें, इसका जो अपर है दोस्तों ये 10/45 का है, बैरल भी इसकी 10/45 हार्ड क्रोम है। इसका जो लोअर है 70/50 T7 451 का है। इसके साथ दो मैगजीनें आती है, एक 17 राउंड वाली, ठीक है, जिसके साथ ये +2 लगा होता है, और एक हमारे पास आती है मैगजीन 14 राउंड वाली, ठीक है। दोस्तों इसकी जो प्राइस है 36,000 रुपीज है, नकश चांदी के इनग्रेविंग के साथ, और अच्छे इसके छोटे पोजे जो है ये गोल्ड कलर के होते हैं। ये दोस्तों आप चेक करें, गोल्ड 1911 गोल्ड प्लेटेड, ठीक है, बहुत ही A1 A+ क्वालिटी का ये पिस्टल है। इसके आप लुक चेक करें, बाद में इसके फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूं। ये जूम करके पहले मैंने आपको दिखाया, अभी इधर से चेक करें, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त इसका ये, ठीक है, इसमें हमारे पास एक ये वाला है और एक ये है। ये दोस्तों गोल्ड कलर और गोल्ड प्लेटेड में ये फर्क होता है, ये आप चेक करें, ठीक है। दोस्तों ये गोल्ड कलर है, ये गोल्ड प्लेटेड है, ये आप चेक कर लें, ठीक है, बहुत वाजह फर्क इसका नजर आ जाता है। दोस्तों चांदी वाला भी दिखा दिया, अब जब इस जस्ट इसकी प्राइसेस बताऊंगा, क्वालिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि सारी A1 A+ क्वालिटी के पिस्टल है। एक के सिर्फ चांदी का कलर थोड़ा सा सस्ता होता है और एक चांदी का कलर महंगा होता है, उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों ये वाला चांदी का कलर आप चेक करें, ठीक है, और ये वाला चांदी का कलर चेक करें, ठीक है, वाजे फर्क है। दोस्तों इसमें हमारे पास दूसरा भी चांदी का कलर है, ये चेक कर लें, ठीक है, और ये चेक कर लें, दोनों सेम पिस्टल है तो फिर अभी आपको सही अंदाजा हो जाएगा। ये चेक करें दोस्तों, ठीक है, इसमें हमारे पास गोल्ड कलर का ब्रीटा भी है, ठीक है, ये आप लोग चेक कर लें, ठीक हो गया। दोस्तों ये भी हमारे पास है गोल्ड कलर का 7 शॉट, ठीक है, ये है हमारे पास चांदी कलर का 7 शॉट, जो हल्का चांदी का कलर होता है वो वाला, ठीक है। ये है हमारे पास 7 शॉट इंग्रेव निकल प्लेटेड, ठीक है, ये देख ले, ये देख ले, साफ पता लग जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जो ये 30 बोर है दोस्तों, इसमें अगर आप 36 वाली बैरल वाला पिस्टल लेते हैं तो आपको वो पड़ जाता है 26,000 रुपए का, ठीक है, अगर चांदी के कलर में हो, और अगर आप गोल्ड कलर में लेते हैं 36 का पिस्टल तो ये आपको 28,000 रुपए का पड़ जाता है। साथ ही साथ अगर आप पिस्टल लेते हैं जो हल्के चांदी के कलर वाला है
ये आपको 22,000 रुपए का मिल जाता है। अगर आप हल्के कलर वाला ब्रिटा लेते हैं तो ये आपको 32,000 रुपए का पड़ जाता है, ठीक है। अगर आप M9A3 में जो A1A+ क्वालिटी का पिस्टल भी है और इसका कलर भी हाईली अपग्रेड है तो ये आपको पड़ जाता है 37,000 का। अगर आप इसमें ब्रिटा वाला लेता है तो वो आपको 35 का पड़ जाता है, ठीक है। दोस्तों ये जो पिस्टल है इसकी कीमत है 65,000 रुपए। कोल्ट 1911 अगर आप बगैर गोल्ड प्लेटेड के लेते हैं तो ये आपको मिल जाता है 42,000 रुपए का। अगर आप इसमें लेते हैं तो ये आपको 65,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप सिंपल ब्रिटा गोल्ड कलर में लेते हैं तो ये आपको पड़ जाता है 37,000 रुपीज का, ये भी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको क्वालिटीज ओवरऑल की बता देता हूँ कि ये जितनी भी पिस्टल मैंने आपको दिखाए इसमें से कोई भी पिस्टल बी क्वालिटी का नहीं है, चूंकि हम इनग्रेविंग के लिए अच्छे पिस्टल लेते होते हैं। जिस तरह मेरे पास ये निकल प्लेटेड ब्रिटा 92X है, ये आप चेक कर ले, ठीक है। ये भी A1A+ क्वालिटी का है, इसकी प्राइस जो है वो आपको मिलेगी 35,000 रुपीज। इसमें हमारे पास भी ये सादा निकल कलर है, एक निकल प्लेटेड होता है और एक ये क्रोम है, इसे क्रोम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ये वाला कलर सिल्वर पे किया जाए तो नीचे का सिल्वर का और ऊपर के मेटल का कलर सेम नहीं रहता जिगाना पे या ब्रिटा पे, ठीक है। वो मैं पिछली मुतअद्दद वीडियोस में बता चुका हूँ, ये आप चेक कर ले, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप ये वाला पिस्टल लेते हैं तो ये आपको 33,000 रुपए का पड़ जाता है, ठीक है। ये गोल्ड कलर में है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो गोल्ड कलर है, ये आप चेक कर ले इसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। मुठिया चेक करें इसकी, ठीक है। बहुत ही A1A+ क्वालिटी का ये पिस्टल है। तो दोस्तों आपको प्राइसेस भी बता दी और क्वालिटियाँ भी दिखा दी। इसी के साथ अपने वीडियो टॉपिक का अख्ताम करूँगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।